एक एंड्रॉयड बोर्ड आया हमारे पास, इसका नंबर TPMS3380.PV819 है। इसमें नो इंडिकेटर का इशू है। देखिए पावर दे के दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए कोई इंडिकेटर ग्लो नहीं कर रहा है इसमें। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसका प्राइमरी सेक्शन ओके है, बट सेकेंडरी में कुछ फॉल्ट है जिसकी वजह से वोल्टेज नहीं जनरेट हो पा रहे हैं। अभी हम चेक करा देते हैं आपको। ये देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई में 2 ही वोल्ट बन रहे हैं और ये बैकलाइट की सप्लाई है जिसमें कोई वोल्टेज नहीं बन रहा। अभी हम इसको कोल्ड चार्ज करेंगे, मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रखेंगे। ये देखिए इन्वर्टर वाली सप्लाई शॉर्ट बोल रही है, ये डायोड है इन्वर्टर का, ये शॉर्ट शो करवा रहा है। 0.9 ओम की रीडिंग दिखा रहा है। किसी ने इसको पहले भी चेक किया, उससे फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ। ये जो मॉस्फेट लगी होती है बूस्ट करने वाली बैकलाइट की सप्लाई, इसकी 2 पिनें शॉर्ट बोल रही हैं। अभी हमने मॉस्फेट निकाल दी है बूस्ट वाली, अभी हम देखते हैं कि अभी भी शॉर्टिंग है या। ये देखिए शॉर्टिंग हट चुकी है, अभी लो ओम्स दिखा रहा है और ये पिन भी शॉर्ट बोल रही थी और अब ये भी बिल्कुल ओके हो गया। अभी मैं एक बार लाइन देके चेक करता हूँ वोल्टेज बने हैं या नहीं बने। ये देख सकते हैं आप 12 वोल्ट की सप्लाई है, 12.09% हो गया है और ये बैकलोड का डायोड है। ये देखिए अभी ये लो दिखा रहा है, अभी आप देख सकते हैं 30 वोल्टेज बन चुके हैं इस पर। अभी मैं इसमें आपको और दिखाता हूँ, ये देखिए 3.3 की सप्लाई है, बन चुके हैं 2.9 दिखा रहा है, ये 5 वोल्ट बन चुके हैं। अभी देखिए सेट हमारा ऑन हो चुका है, इंडिकेटर शायद दिखाई नहीं दे रहा, ये देख सकते हैं आप। एक बार मैं आपको दोबारा से पावर ऑफ करके ऑन करके दिखाता हूँ। अभी इन्वर्टर लगा सकते हैं आप इसमें, अगर आपके पास इन्वर्टर बोर्ड है। अगर आपके पास ये मॉस्फेट अवेलेबल है तो आप इसकी जगह पे मॉस्फेट लगा के सेट को ओके कर सकते हैं।